दिल्ली एनसीआर में हो रही लगातार बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा हो गया है। तेज बारिश की वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। काले बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ों में बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से तापमान में काफी कमी दर्ज की गई है और सर्दी अचानक से बढ़ गई है। तो दिल्ली के मौसम पर पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश ने तापमान को करीब 6 डिग्री तक नीचे पहुंचा दिया है। ये तस्वीरें, लगातार बारिश कल रात से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हो रही है उसकी है, और साथ ही आज सुबह दिल्ली वालों को ऐसा लगा जैसे सुबह नहीं रात है। और इस तरीके का मौसम देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम बदला है और ठंड बढ़ी है। अपने दर्शकों को बता दें कि पारा करीब 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। कल सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम अचानक बदला। रविवार को मौसम गर्म था, लेकिन कल सोमवार से मौसम ने फिर करवट ली और शाम होते होते कई इलाकों में बारिश हो चुकी थी। रात भर अलग अलग जगहों पर बारिश हुई, कई जगहों पर ओले भी गिरे, और आज सुबह भारी बारिश कई इलाकों में हुई है। और अभी ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे दिन में रात हो गई है। और मौसम के इस बदलते तेवर के साथ ही ठंड बढ़ गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त का जो नजारा दिखा रही हूं मैं आपको, वो सुबह करीब 9 बजे का है, और आप देखेंगे पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ये मौसम का मिजाज है कि तरीके का अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने जैसे कि प्रेडिक्शन की थी कि आज दिन भर बारिश रहेगी और मॉडरेट रेनफॉल तक हो सकता है, लेकिन हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं, लगता है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग हो रही है और गरज रहे हैं बादल, ये सब यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और ये भी बताया है मौसम विभाग ने कि दिन के समय में या दिन में किसी भी वक्त कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, दिल्ली में ओले भी गिर सकते हैं। तो बारिश की संभावना आज दिन भर बनी रहेगी, ओले गिरेंगे, थंडरस्टॉर्म होगा और मॉडरेट रेनफॉल होगा, ये संभावना जताई है। इस महीने में, पूरे महीने में लगभग 3 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। अगर कल के दिन को और रात को छोड़ दिया जाए, कल रात में जो बारिश हुई वो 12 mm के, 12 से 13 mm के बीच में बारिश हुई है कल रात में, और अब भी बारिश हो रही है। संभावना यह है कि दिन भर में काफी बारिश हो सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन की, रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। भारी बारिश के बाद मौसम बेहद ठंडा हो गया है, 6 डिग्री तक तापमान नीचे चला गया है, और अब आने वाले दिनों में भी ठंड रहने के आसार है। तो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और यहां दिल्ली में बारिश, जिससे पूरे उत्तर भारत में मौसम ठंडा हो गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अलग अलग पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें लेकिन लोगों की परेशानी भी बढ़ाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर ओले गिर रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ओले गिर रहे हैं, और जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया कि एनसीआर के कई इलाकों में ओले गिरे, उसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं।
बारिश और ओले और इसके साथ ही मौसम ने लिया है यू टर्न। जो लोग आज ऑफिस और स्कूलों के लिए निकले उनको एकदम बदला मौसम मिला और ये तस्वीरें उसी बदले मौसम की कहानी कहती है।